हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो जो है वो एज पर रिक्वेस्ट मैं बना रहा हूँ। और आज की ये वीडियो स्पेशली रिक्वेस्ट आई है, वैसे तो रिक्वेस्ट कई लोगों की आई है, मैं उन लोगों के नाम भी लेना चाहूँगा इस वीडियो में। तो पहली जो रिक्वेस्ट आई है वो है यहाँ पर अंजना सिंह की, और उससे भी पहले एक और रिक्वेस्ट आई है जो है निखट खान की। तो यहाँ पर ये कह रहे हैं सर प्लीज़ हमें टैली स्टार्टिंग से बता दीजिए। टैली पर बहुत सारी वीडियोज़ मैं बना चुका हूँ, लेकिन एज पर योर रिक्वेस्ट मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जो 3 या 4 घंटे की होगी। ठीक है, मैं कोशिश में हूँ कि 3 या 4 घंटे की एक वीडियो बनाऊं जिसमें आपको पूरी टैली एक ही वीडियो में क्लियर कर दी जाए। ठीक है, 4 या 5 घंटे की भी हो सकती है, तो मैं इसी कोशिश में हूँ। ठीक है, ये तो मैं करूंगा। फिलहाल आज की ये जो रिक्वेस्ट मैंने उठाई है अंजना सिंह का जो है, ये बोल रही है कि सर मेरे लैपटॉप में परचेज एंट्री में क्वांटिटी लिखा कर क्यों नहीं आता। तो देखिए, यहाँ पर अगर आप पुराना टैली का वर्जन यूज करेंगे तो शायद बहुत पुराना अगर आप यूज करें तो वहां पर आपको क्वांटिटी या तमाम चीजें ना नजर आए, ये हो सकता है। लेकिन अगर आप न्यूअर वर्जन यूज कर रहे हैं, टैली प्राइम या टैली ईआरपी 9 यूज कर रहे हैं, तो वहां पर क्वांटिटी ना लिखा आना, इसके पीछे का रीजन मैं आपको बता देता हूँ। पहले तो मैं पुराना वर्जन टैली का ओपन करता हूँ, यहाँ से जो पुराना टैली का वर्जन है उसको ओपन करके आपको दिखाता हूँ कि कहाँ आपको दिक्कत हो रही होगी। तो ये टैली शायद पुराना वर्जन यूज कर रही होंगी, तो वही वर्जन मैं ओपन कर लेता हूँ। दिक्कत आ रही है उसके बारे में डिटेल में आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले नई कंपनी हम बनाएंगे। ठीक है, नई कंपनी का नाम है न्यू कंपनी, मैं इसे नाम दे देता हूँ न्यू कंपनी के नाम से, और इसका एड्रेस वगैरह जो भी है वो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ। जैसे न्यू कॉलोनी देवरिया कर दिया हमने, ठीक है, ये न्यू कॉलोनी देवरिया हो गया, एंटर किया। यहाँ पे स्टेट जरूर डालिएगा, तो स्टेट मेरा उत्तर प्रदेश है, आपका जो भी हो वो स्टेट डाल के पिन कोड डाल के, और यहाँ पर फाइनेंशियल ईयर वगैरह आ ही रहा है, देख सकते हैं ये फाइनेंशियल ईयर है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट कहाँ से हो रहा है और कब से आपका काम शुरू हुआ, देखिए यहाँ पे काम शुरू होने वाला डेट पड़ेगा, ये मैं कई बार बता चुका हूँ। और बस एंटर करके और इसको एक्सेप्ट करा लीजिए। मान लीजिए मेरा काम 1 अप्रैल से ही शुरू हो रहा हो, तो इसको एक्सेप्ट आपको इस तरीके से करा लेना है। जब एक्सेप्ट करा लेंगे तो सिनेरियो कुछ ऐसा हो जाएगा, टैली प्राइम में अलग हो जाता है लेकिन इसमें थोड़ा अलग है। ठीक है, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर अगर आपको परचेज में एंट्री पास करनी है तो वी प्रेस करना होगा, और सीधा कहाँ चले जाना है, परचेज वाउचर में। तो F9 प्रेस करके आप परचेज वाउचर में आ जाइएगा। यहाँ पर अगर आपको क्वांटिटी वाला न शो कर रहा हो, जैसे ये क्वांटिटी यहाँ पे मेरा आ रहा है, तो ऐसा आपके में ना आ रहा हो तो जानते हैं क्या दिक्कत हो सकता है। यहाँ पर मिलता है अकाउंटिंग इनवॉइस और एज वाउचर, तो या तो आप एज वाउचर में चले जाएं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एज वाउचर में आ जाएंगे तो यहाँ पे डेबिट क्रेडिट आपको दिखने लगेगा, और अगर आप यहाँ पर एज वाउचर में ना आकर के इनवॉइस में ही हैं तो यहाँ से अकाउंटिंग इनवॉइस में इस तरीके से चले जाएंगे तो यहाँ पर क्वांटिटी वाला नहीं आएगा, यहाँ पे पर्टिकुलर दिखेगा और यहाँ पे सीधा रेट दिखेगा और अमाउंट दिखेगा। तो ये ध्यान रखना है कि आपको आइटम इनवॉइस में रहना है। ठीक है, टैली ईआरपी 9 अगर यूज करते हैं तो आपको आइटम इनवॉइस में ही रहना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ आई प्रेस करना है और आइटम इनवॉइस में वापस आ जाना है, तो यहाँ पर आपको क्वांटिटी दिखने लगेगा। ठीक है, ये तो बात रही टैली ईआरपी 9 की, अब इसको क्लोज करता हूँ, टैली प्राइम पे थोड़ा आ जाते हैं। ठीक है, तो उससे भी पहले मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आज हमारे देश में एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हमारे देश ने हासिल कर ली है, चंद्रयान जो है लॉन्च हो गया है सक्सेसफुली, अपने जो चंद्रमा पे लैंड कर चुका है, और ये बहुत गर्व की बात है हमारे देश के लिए, न सिर्फ देश के लिए पूरे विश्व के लिए, क्योंकि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इंडिया के, वहाँ पे लैंडर जो आ चुका है तो वहाँ से बहुत सारे रहस्य खुल करके आएंगे, बहुत सारी चीज़ें उजागर होंगी, आज तक कोई देश वहाँ तक पहुँच नहीं सका, तो हमारा देश पहला ऐसा देश है जो वहाँ तक पहुँचा है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई है। ठीक है, अब प्राइम में जब आप वाउचर एंट्री पास करते हैं तो परचेज में जब जाते हैं तो देखिए यहाँ पर तो आइटम इनवॉइस आ रहा है, तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये चेंज मोड पे जाके कभी कभी अकाउंटिंग इनवॉइस कर देते हैं, दोनों में सेम चीज है। देखिए ये पर्टिकुलर कर देंगे तो नहीं आएगा, वही चीज है यहाँ पर भी। ठीक है, और फिर अगर यहाँ पे आप एज वाउचर चले जाएंगे तब तो बिल्कुल डेबिट क्रेडिट शो करने लगेगा, तो ये जरूरी है कि आप हमेशा आइटम इनवॉइस में रहें। तो यही चीज आपको बतानी थी, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए ये आइटम इनवॉइस में आ जाता हूँ तो एकदम क्लियर, अब फिर तो कहीं यूनिट वगैरह सब कुछ आएगा, क्वांटिटी सब कुछ आएगा। ठीक है ना,